हिस्सा उठा ले गए। अब वो अभिषेक जी की जो कम्युनिटी है उस पर भी निगाह ये लोग गड़ाए हुए हैं, ये क्या तो हो रहा है, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? देखिए ब्रजेश जी, हम नहीं, ये जनता सब उठा ले करेगी। जाएंगे तो बचेगा कौन आपके पास? इसके पहले अगर आप चैत्र में जाइए अखिलेश समाजवादी पार्टी के, सबसे पहले इनका नारा था एम वाई फैक्टर। पहले इनका नारा था एम वाई फैक्टर, एमओआई मतलब? आप भी जानते हैं, हम भी नहीं, मैं जानते नहीं हैं, पूरा जानता, वो मुझे जानता है, थोड़ा अभी इनलाइटेन हमारे करो। मित्र हैं वो भी बताएंगे। पहले हाँ जब नया नया शुरुआत हुआ था, ये एम वाई का जो फैक्टर लगा के राजनीति करते थे, तो चंद वाई के चक्कर में रह गए, एम को धोखा दे दिया। पहली चीज है, ब्राह्मणों की बात अगर आ रही है तो इसके पहले आप देखिए, एक अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव के पहले आपने देखा होगा किस तरह से एक कमेटी बनाई थी ब्राह्मणों के वोट को लेने के लिए। उसमें भी माननीय माता प्रसाद पांडे जी बड़े योग्य लीडर हैं, हमारे जिले के रहने वाले, हम लोग काफी आप सम्मान करते वेलकम हैं। करते हो उनको नेता बिल्कुल प्रतिपक्ष बिल्कुल बनाए वेलकम करते हैं, तो स्वागत कहिए आप करते हैं। स्वागत मैं करते कह रहा हूँ हैं। माता प्रसाद पांडे जी का स्वागत करता हूँ, बहुत योग्य नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब रह गई बात तो समुदाय नाराज की, किस बात पे हो मैं नाराज नहीं हूँ, कभी भी नाराज नहीं हूं, मैं इस बात से लेकर आ रहा हूं भाई? जिस तो वो तरह से ब्राह्मणों की स्टेडियम में आके मैच खेलना चाहते हैं, आपको एतराज है कोई? नहीं, मुझे ऐतराज नहीं, ब्राह्मण समुदाय इसके पहले भी आके खेले थे मैच। अच्छा 2022 के पहले आपने देखिए भगवान परशुराम जी के साथ, हमारे में जो अभी हमारे काबिल मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे, ये भी उसमें शामिल थे उस कमेटी में। उसके बाद भी गए थे बलिया में सम्मेलन, कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ था, उसका रिजल्ट 2022 में आपने देखा होगा। ब्राह्मण इस तरह से थोड़ी ना आ जाएगा कि आपके कहने से, क्योंकि ब्राह्मणों का जो समुदाय होता है ये कहने के लिए खाली है कि लॉलीपॉप आप देंगे, बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है चुप कराने के लिए, तो उसको लॉलीपॉप मुंह में लेके ब्राह्मण थोड़ी ना चुप होने आपने वाला तो है। काफी ड्राई फ्रूट दिया है ब्राह्मणों को, नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, हमने तो कुछ नहीं सबका साथ दिया सबका विकास की बात किया है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हमने कोई काम, हमने आपने, तो कुछ नहीं आप बोले भगवान अखिलेश ने। यादव जी के गांव में भी आप जाइए, आप अभिषेक मिश्रा जी के गांव में भी जाइए, जितने हमारे पैनलिस्ट में बैठे सबके गांव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की योजनाएं चल रही हैं। हमने किसी योजना में हमने अच्छा किसी की यही हिस्सेदारी आप नहीं कहते किया, कहते रह गए, वो ओबीसी उठा ले गए, वो अलग चीज का विषय। मैं ओबीसी ऐसा तो जाने की नहीं बात कि नहीं, इधर फिर ब्रजेश जी जाए ओबीसी, कांड हो जाए? मैं वोट की बात ही नहीं, हमारी सरकार 140 करोड़ आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार मानते हैं, हमारे लिए सब बराबर। हाँ, कहीं हमारी चूक हुई, वही कहावत है पूर्वांचल का, सिकहर टूटे बिलारी भागे, एक बार टूट गया तो कहीं मिल गया तो चाहे जितना खा ले, अगर देखिएगा सामने रिजल्ट आएगा उनका, फिर तो वो ना अलग टूट चीज का। जाए बिल्ली खा नहीं, जाए। बराबर शिखर नहीं टूटता, आदमी सतर्क होता है। आप अयोध्या में, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा था, अभी जब जो है अयोध्या के लोगों से पूछे, वो आज भी पछता रहे हैं, आज भी वो पछता रहे हैं कि हमने वोट गलत कर दिया। आज मतलब भी अयोध्या की पासी जनता से, बिरादरी को वोट देके गलती कर दी? पासी बिरादरी के नहीं, ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो श्री राम, भगवान राम का नाम नहीं ले सकता। अभी हमारे मित्र रामचितमानस की चर्चा करते हैं, वही रामचितमानस जिसके पन्ने को जलाने का काम करते थे, आज उसके प्रति इनकी जो है साहब वो आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वार्थ की राजनीति है ना, दोहरा तो चित्र है ब्राह्मण पटेगा इनसे अखिलेश नहीं यादव पटेगा, का, क्या जो होगा? दोहरा चित्र है ये जनता नहीं जानती तो है। ब्राह्मण पटेगा इनसे? ब्राह्मण बुद्धिजीवी, 2022 का रिजल्ट आपने देखा होगा, ब्राह्मण ऑल समझ में राइट, आए थे। प्रियंका गुप्ता जी मुझे आप बताइए।